डे नंबर 8 गदर 2 सुनामी जारी है और आज आठवें दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन ने 300 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है बॉस। इसको कहते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। तो क्या आज की कलेक्शन आई है जिसके बलबूते पर जो मैंने आपको कहा है 300 करोड़ का क्लब एंटर कर चुकी है गदर 2 ओनली ऑन इट्स डे नंबर 8। सब कुछ बताने वाली हूँ, साथ साथ में कल जो सुनामी आएगी, कल से स्टार्ट हो रहा है सेकेंड वीकेंड गदर 2 का, गदर फिर से मचने जा रहा है, इसके बारे में मुझे क्या कहना है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, सब कुछ बताती हूँ इस वीडियो में। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। भाई साहब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये आंधी रुकने वाली नहीं है। गदर 2 इज अनस्टॉपेबल एट द बॉक्स ऑफिस, लिटरली बता रही हूं। इससे पहले जब फिल्म रिलीज हुई थी, बड़े बड़े ट्रेड एक्सपर्ट्स तक ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे कि गदर 2 का ऐसा पागलपन मचेगा, बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आ जाएगी। तो आज बात करते हैं ऑक्यूपेंसीज क्या रही है और शाम को किस तरह का चेंज हमको आता हुआ दिख रहा है, शाम को और रात को बताती हूं। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आज की थी केवल 12%, लेकिन आफ्टरनून में 23% होने के बाद इवनिंग में जाकर 37% की ऑक्यूपेंसी आ गई और नाइट ऑक्यूपेंसी का मेरा प्रेडिक्शन यह है कि आराम से 50-55% की ऑक्यूपेंसी जा सकती है। क्यों ऐसा कह रही हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा वीकेंड स्टार्ट हो रहा है बॉस और कलेक्शंस के मामले में एक नई ऊंचाई, एक नई हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही है गदर 2। तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूं कि जहां पर अभी ये वीकेंड आ रहा है और बहुत कुछ हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन एक चीज है जो मुझे अनयूजुअल लगी, वो है स्क्रीन काउंट्स का कम होना। जी हाँ, शोज जो हैं वो पहले से कम हो चुके हैं। हो सकता है ये रीजन की और भी फिल्में रिलीज हुई हैं, आज घूमर रिलीज हुई है, हो सकता है उसको भी कुछ स्क्रीन मिली हो, लेकिन स्क्रीन काउंट्स जो है वो पहले से थोड़ा सा फर्क जरूर आ गया। जब मैं आपको बताऊंगी अभी तो आप वो नोटिस कर लीजिएगा, आप कर लेंगे। मुंबई में 22% की ऑक्यूपेंसी, 726 शोज, कहां हम मुंबई में बात कर रहे थे 840 शोज की। दिल्ली एनसीआर 30% की ऑक्यूपेंसी, 938 शोज, 1072 समथिंग शोज थे कल तक। पुणे 21% ऑक्यूपेंसी, 273 शोज। बैंगलोर 15% ऑक्यूपेंसी, 212 शोज। हैदराबाद 15% ऑक्यूपेंसी, 202 शोज। कोलकाता 16% ऑक्यूपेंसी, 212 शोज। अहमदाबाद 25% की ऑक्यूपेंसी, बहुत धमाकेदार 25% ऑक्यूपेंसी, 496 शोज। चेन्नई 41% की ऑक्यूपेंसी, सिर्फ चेन्नई में शो काउंट्स बढ़ गए हैं, 54 शोज हो गए, पहले 47 समथिंग शोज थे। रीजन आई रियली डोंट नो। सूरत 15% की ऑक्यूपेंसी एंड 284 शोज। जयपुर 38% की ऑक्यूपेंसी, 162 शोज, पहले थे 188 शोज। चंडीगढ़ 22% की ऑक्यूपेंसी, 120 शोज। भोपाल 26% ऑक्यूपेंसी, 87 शोज। लखनऊ 27% ऑक्यूपेंसी, 214 शोज। एंड विद दैट जो आज का नंबर आया है उसने 300 करोड़ का आंकड़ा पार करवा दिया है गदर 2 का। तो आज का डे नंबर 8 का फाइनल अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन जो है वो आता हुआ क्या दिख रहा है, दैट इज अगेन अ वंडरफुल 17 करोड़। जी हाँ, 17 करोड़। ऑल्दो मैंने आपसे आज सुबह जो एस्टिमेशन लगाया था वो 20 करोड़ का था, मगर 17 करोड़ भी कोई कम नहीं है बॉस। 17 करोड़ फ्राइडे नाइट के हैं। अब कल का इंतजार है भाई, कल की जो एडवांस बुकिंग आने वाली है वो आने वाली है धमाकेदार एडवांस बुकिंग। और इसी के साथ इंडिया नेट कलेक्शन जो है वो 8 दिनों में गदर 2 का हो चुका है 301.6 करोड़। जी हाँ, 301.6 करोड़, बहुत बड़ा नंबर सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर में, वो भी इंडिया नेट कलेक्शन। सोचिए, ग्रॉस कलेक्शन आज सुबह जो मैंने आपसे बात करी थी, वर्ल्ड वाइड की बात करी थी, 400 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। जी हाँ, ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी बुक माई शो पर क्या कुछ चल रहा है। मैंने आपसे कहा था ना, बुक माई शो पर अगर सुबह 1200 टिकट्स के करीब एक घंटे में बिक रही हैं, तो शाम का तहलका देखिएगा। शाम को क्या होगा भाई, शाम को लिटरली तहलका ही है, क्योंकि पिछले एक घंटे में 28,600 टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट। और ये कल की तैयारी चल रही है बॉस, ये है असली कल की तैयारी। कल का नंबर हिस्टोरिक होने वाला है, ठीक है। 28,600 टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट। अभी तक नंबर ऑफ वोट्स जो हैं वो मिल चुके हैं 156.7 के वोट्स टू गदर 2, 96.2 के रिव्यूज ऑन बुक माई शो आ चुके हैं लोगों के, मतलब करीब करीब आप कह सकते हैं 100,000 रिव्यूज जो हैं वो यूजर्स ने बुक माई शो पर ही दे दिए हैं। तो इसको कहते हैं ना पब्लिक की, जनता जनार्दन की ब्लॉकबस्टर, जो हर बच्चे से लेकर हर उम्र के, हर वर्ग के इंसान तक पहुंच रही है और पसंद की जा रही है इतनी ज्यादा। तो भाई मैडनेस तो जारी है, कल क्या होता है, अब कल की बारी है। सेकंड सैटरडे जो है इसका कैसा जाने वाला है, फ्राइडे तो बहुत ही मस्त गया है और अब बारी है कि अब कल जो है क्या नंबर आएगा। उसी के साथ हम लोग एडवांस बुकिंग की बात करेंगे कल सुबह, लेकिन भाई इस वक्त आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड विद दिस नंबर, 300 करोड़ भाई सिर्फ और सिर्फ 8 दिन में। कैसा लगा आपको सुनकर मुझसे आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी बैंक।